going to start exercise 2.5 of class 9. So here are some identities. आपकी जो exercise 2.5 है, वो इन्हीं identity के ऊपर based है. तो अगर आपको 2.5 exercise का कोई भी question का मैं तो आपको उसके लिए सारी identity learn होनी चाहिए. Most of the आपने learn कर भी चुके आप पिछले previous classes में. First identity क्या है? X plus y का whole square. ये वैसी ही है जैसे a plus b का whole square. तो a plus b का whole square क्या है? a square b square plus 2ab. तो सेम है, x plus y का whole square क्या होगा? Is equals to x square plus y square plus 2xy. और आपकी जो second identity क्या है? x minus y whole square. तो x minus y का whole square क्या होगा? Is equals to x square plus y square minus 2xy. ऐसी थर्ड आइडेंटिटी क्या है? x plus y का होल क्यूब. आपको क्वेश्चन आया कि इस फॉर्म में कुछ गिवन आपको और इसका एक्सपेंड कीजिए और पावर क्या है? क्यूब गिवन है. तो यहां पे आपको कैसे एक्सपेंड करना है? x क्यूब मींस जो फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब प्लस का साइन जो सेकंड डिजिट है उसका क्यूब प्लस 3xy. xy का मींस आपस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के अंदर क्या है? x minus y. सिमिलरली यहां पे x minus y का होल क्यूब. क्या आइडेंटिटी बन रही है? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y. ऐसे फोर्थ आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस y x प्लस y. आपने वैसे भी आइडेंटिटी लर्न किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था? a प्लस b a माइनस b. तो सेम है, a b की जगह हमने xy चूज करके xy की आइडेंटिटी बनाई है. x प्लस a x plus b is equals to x square plus a plus b multiply x plus a multiply b. Next identity क्या है? ये आपके लिए new है. x plus y plus z का whole square. यहाँ पे देखो 2 digit थी, यहाँ पे आपको 3 value मिलता है. x y and z. कैसे करना है? x square plus y square plus z square. Means सबसे पहले x का square, फिर y का square, फिर z का square. फिर 2 के साथ xy, मींस 2 के साथ पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ yz का, फिर 2 के साथ xz का मल्टीप्लाई. तो ये आपकी ये आइडेंटिटी बन जाएगी. लर्न होनी चाहिए, आप स्टार्टिंग में एक बार देख के भी सॉल्व कर सकते हो. लास्ट आइडेंटिटी क्या है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. ये आइडेंटिटी आपके काम आएगी फैक्टराइज करने में. तो अगर आपको कहीं लेफ्ट हैंड साइड जैसा पोर्शन गिवन है तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो. कैसे? x plus y plus z, ये मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई और ये सारी डिजिट उसके मल्टीप्लाई है. क्वेश्चन करते हैं, आपको देखो बहुत अच्छे से क्लियर होगा. एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं. सभी पार्ट के मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी आपने सॉल्व कर लेना. कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर लेना. जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको एक्सरसाइज 2.5 का, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट करना है बट आइडेंटिटी यूज करके करना है. डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. कैसे? x को कर लिया मल्टीप्लाई x और 10 से, फिर 4 को कर लिया x और 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा. बट आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको आइडेंटिटी की फॉर्म में करना है. तो अब आप यहां से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और आपने देखा आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x plus a मल्टीप्लाई x plus b. तो यहां से पता लग रहा है कि x plus a मल्टीप्लाई x plus b की आइडेंटिटी है. तो आइडेंटिटी में क्या आंसर आता है? x square plus a plus b multiply with x plus a multiply b. ये आपके क्या बन गया? आइडेंटिटी है. हाँ जी, x का स्क्वायर फर्स्ट डिजिट तो x ही है, प्लस a की वैल्यू क्या है? 4, प्लस b की वैल्यू क्या है? 10. x x की वैल्यू x ही है, प्लस a multiply b, 4 टाइम जब 40 है. तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर 4 प्लस 10 14, 14 मल्टीप्लाई x 14x एंड 4 टाइम्स जा 40. तो आसान है, आइडेंटिटी यूज करके आपको सॉल्व करना है. बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसी का एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ. जो क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है. जो आपके क्वेश्चन है 3 - 2x 3 + 2x. तो यहां से पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी ए प्लस बी कह सकते हैं हम लोग. तो आइडेंटिटी क्या लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर 3 का स्क्वायर करना है माइनस b, b क्या है आपका? 2x. तो 2x का
स्क्वायर मिलेगा। हाँ जी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9 माइनस 4 x स्क्वायर क्या लगेगा आपका आंसर देगा। बहुत आसान है, आइडेंटिटी आपको देखना है, सूटेबल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी लगेगी वही आइडेंटिटी आपने लगानी है और उसके बेस आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मीनिंग कैसे करना है, 103 मल्टीप्लाई 107, डायरेक्ट मल्टीप्लाई शो करके आपने आंसर नहीं करना, आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। कैसे, 103 को आप क्या लिख सकते हो, देखो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, 103 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3, और 107 को क्या राइट कर सकते हो 100 प्लस 7, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 7, ये आपकी, आपने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको यहां से पता चल गया कि आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी क्या बन रही है, एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस बी, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी इसकी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू क्या है 100, देन 100 का स्क्वायर, x क्या है पहले डिजिट लिखी है, तो जो सेम डिजिट है दोनों में वो आपका x हो गया, तो सेम डिजिट क्या 100, तो x की वैल्यू क्या होगी 100, 100 का स्क्वायर प्लस a, a की वैल्यू क्या यहां से कंपेयर किया तो 3 और b की वैल्यू क्या 7। हाँ जी, x जो कॉमन वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है सेम है, जो 100 है प्लस a मल्टीप्लाई में a क्या आपका 3 और b क्या है 7, तो 3 7 का 21। हाँ जी, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 3 प्लस 7 10, 10 मल्टीप्लाई 100 1000 और 3 7 का 21, तीनों को ऐड किया 1102, ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत आसान है, लेकिन आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर 3 में करना आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे आइडेंटिटी से, आप देख लो यहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपका है 9x2 + 6xy + y2। पहले आपको देखना जो पावर आपको y2 या x2 की फॉर्म में, जो पावर स्क्वायर की फॉर्म में वह अगर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हां जी, 9x2 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 कैसे, 9x2 को हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 3 का स्क्वायर किया 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x2, तो 9x2 को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा माइनस लगाना पड़ेगा आपको, y किसका स्क्वायर होगा, मतलब y2 को क्या लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। हां, जब 6xy को कैसे एक्सपेंड करेंगे 2 3xy, देखो 2 3 6 xy, तो 6xy को कैसे लिख सकते हैं 2 3x और y अलग से। अब देखो आप यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सुन लो ब्रैकेट कंप्लीट, a स्क्वायर 2a, a मींस फर्स्ट ब्रैकेट और b जो सेकंड ब्रैकेट है, तो प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को v कैन राइट, क्या आइडेंटिटी है इसकी, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसे, a फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस b क्या है y, तो 3x प्लस y होल स्क्वायर। बहुत आसान है, इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। थर्ड जो पार्ट है x2 माइनस y2 अपॉन 100, अब यहां से देखो देखने भी पता लग रहा है कि x2 माइनस y2 की आइडेंटिटी है, a2 माइनस b2 की आइडेंटिटी है, तो a2 माइनस b2 की आइडेंटिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, a माइनस b a प्लस b। अब इन दोनों को पहले कंप्लीट ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें, a मींस हम लिख सकते हैं यहां पे x का होल स्क्वायर, x2 को क्या राइट कर सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस y2 अपॉन 100 को होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, y2 अपॉन 100 में कैसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर भी करते हैं 100, तो दोनों को कंबाइन कर लिखते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब आगे आंसर लिखना आपको, ये देखो a2 माइनस b2 की फॉर्म बन गई, तो a माइनस b a प्लस b आपको राइट करना है, a आपका है x माइनस b आपका है y अपॉन 10 और फिर आपका a प्लस b, a प्लस b का जगह x प्लस y अपॉन 10, वो आप यहां पे लिख सकते हैं x प्लस y अपॉन 10। बहुत आसान है, इसके ऊपर जो बेस्ड है आप ये क्वेश्चन क्या वापस से प्रैक्टिस करना,
पहले आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके रफ नोट में नोट डाउन कर लेना, फिर उसके बाद वापस इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस के कारण ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी, सब में सेम आइडेंटिटी लगेगी। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेकेंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, उसमें थोड़ा सा माइनस भी है तो वो मैं आपको करवा लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्वेश्चन क्या आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैंने लर्न लिखवाई थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो उसी की बेस आइडेंटिटी है थ्री वेरिएबल है, क्या आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी के बेस पे लगेगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या करना तीनों का पहले स्क्वायर करना, जो भी वेरिएबल है जो भी तीनों डिजिट है उन तीनों का स्क्वायर करना, फिर प्लस में 2xy 2yz फिर 2xz, मींस 2 के साथ आपस में मल्टीप्लाई, पहले x का y के साथ, फिर y का z के साथ, और फिर x का z के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मींस क्या, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर करना आपको 2x ब्रैकेट में cos पे प्लस y, सेकंड डिजिट क्या माइनस y है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस y फिर उसका cos स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड के जेड तो जेड ही ओनली, ये तो जेड है। अब 2 के साथ इनका मल्टीप्लाई करना, हाँ जी 2x फर्स्ट डिजिट क्या 2x, y का मींस क्या माइनस y है, y का मीनिंग क्या माइनस y, प्लस 2yz, हाँ जी y का मीनिंग क्या माइनस y है और z तो ओनली z ही है, प्लस 2x का मीनिंग क्या है, x का मीनिंग 2x है और z का मीनिंग ओनली z है, तो ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा। हाँ जी 2x का स्क्वायर क्या करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर करोगे किसी भी डिजिट का स्क्वायर करने पे क्या आता है पॉजिटिव आता है, ये लो y स्क्वायर, z का स्क्वायर भी z, 2 टू जा 4, x मल्टीप्लाई y x y प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो क्या बन गया माइनस का 4xy प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2yz माइनस 2yz, 2 टू जा 4 4xz प्लस में 4xz, तो बहुत आसान है। जो भी आपको आइडेंटिटी लगेगी फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट में सिर्फ यही आइडेंटिटी लगी आपको, तो आप ये आइडेंटिटी पहले रफ नोटबुक में नोट डाउन कर लेना सारी, उसके बाद आप इस पे बेस जो क्वेश्चन करोगे तो इजीली आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के आपका फैक्टराइज करना आपको, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो फोर्थ का अपोजिट है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्वेश्चन ये 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर xy yz xz आ रहा है, मीन जो अभी आपने फोर्थ क्वेश्चन किया था ये आपका आ रहा था आंसर, आपको बनाना है ये किसका क्वेश्चन क्या है इसका, मींस ये किसका एक्सपेंड करने पे ये वाला आंसर बनेगा, या फिर ये कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है पावर रिड्यूस करने, फैक्टराइज करने का मीन ये होता है कि पावर रिड्यूस करनी है। अब देखना आप पावर कम हो जाएगी यहाँ पे, 2 पावर है ना कम हो जाएगी, देखना आंसर कर देंगे। देखो अब माइनस कहाँ कहाँ पर, वाई और जेड एक्स और जेड, इट मीन्स क्या है आपको जेड के साथ माइनस का साइन लगाना है, वाई जेड में भी माइनस है एक्स जेड में भी माइनस है, इट मीन दोनों में कॉमन क्या है जेड, तो आपको जेड के साथ माइनस का साइन लगाना, बाकी दोनों साइन आपको क्या रखने प्लस के रखने, कैसे देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर क्या राइट कर सकते हैं हम 2x का cos, यस सर, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो दोनों एक ही है सेम है हम राइट कर सकते हैं। ऐसे 9y स्क्वायर को क्या राइट करेंगे 3y का होल स्क्वायर, और 16z को क्या राइट करेंगे 4z का होल स्क्वायर,
मैंने कहा था जेड के साथ माइनस लगाना, तो जेड के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, माइनस, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ना, माइनस फोर जेड का स्क्वायर। अब उसके बाद आपको देखना है, देखो कि इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। 12xy का लिख रहा हूँ, 2x 3y मैच कर रहा है, 2 2 4 4 3 12 प्लस का साइन है, मैच कर रहा है। अब देखिए 24y जब बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहां से चेक करें, प्लस 2 3y माइनस का 4z, 2 3 6 6 4 24 माइनस का मींस बन रहा है, प्लस 2xz है, x की वैल्यू 2x, z की वैल्यू 4, 2 2 4 4 4 16। तो इट मींस क्या है कि आपने जो क्वेश्चन था उसे इस फॉर्म में रख दिया। वापस रिपीट करो, 4x कर गया 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर, 16z स्क्वायर को माइनस का 4z स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस देखा yz में भी माइनस है, xz में भी माइनस है, इट मींस दो बार माइनस का इन दोनों में है, तो z इनमें क्या है कॉमन है, तो z के साथ ही माइनस का साइन लगाना। हां जी, फिर जो 12xy है उसे कैसे लिखना है, 2 2x 3y। अब 2 × 2x × 3y कैसे लिखा मैंने, 2 तो सब में लगाना ही है, xy है 2x और 3y, y जब है 3y माइनस का 4z, xz है x की जगह 2x, y z की जगह माइनस 4z। देखो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां जी, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट फर्स्ट डिजिट 2x, देन y 3y, और z का मतलब क्या है, माइनस 4z। तो ये आपका क्या होगा, फैक्टराइज होगा। देखो इसमें पावर रिड्यूस होगी ना, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे पावर 1 होगी। ये पावर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई विद सेम डिजिट, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये यहाँ पे माइनस है, ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइज, ये फैक्टराइज करना आपने, आपने पहले भी प्रीवियस में भी देखा था, जो हम डिवाइड करके फैक्टराइज कर रहे थे, तो उसमें क्या करते हैं, पावर 3 थी या पावर 2 थी, रिड्यूस करके पावर 1 आ जाती थी और मल्टीप्लाई में लिख लेते थे, तो वो फैक्टराइज करना ही होता है। ये सिंपलीफाई करना, फैक्टराइज करना एक ही बात है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी यूज करनी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, सही लिखा मैंने क्वेश्चन, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहां पे आपको पता चल रहा है आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, x प्लस y का होल क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, x क्यूब प्लस y प्लस 3xy x प्लस y, और यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2x और y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो जहां पे x है वहां पे 2x रख दो और जहां पे y है वहां पे 1 रख दो। सॉल्व करते हैं, देखो आंसर आ जाएगा, x के प्लेस पे 2x पुट किया, y के प्लेस पे 1, 3x के प्लेस पे 2x, y के प्लेस पे 1, हां जी आफ्टर में क्या ब्रैकेट में क्या x प्लस y, x के प्लेस पे 2x, y के प्लेस पे 1। ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ जी, 2x का क्यूब क्या होगा, 2x का क्यूब कैसे करेंगे, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1। हाँ जी, 3 2 6 6 1 6, तो ये बन गया 6x और ब्रैकेट में क्या आपके 2x प्लस 1। अब ये ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8x क्यूब प्लस 1, 6x को 2x से दिया, 6 2 जा 12, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, और 6x मल्टीप्लाई 1, 6, ये आपने एक्सपेंड कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के बाद आपका 7th क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। सेम 6 के तरह ही करना है, जैसे आपका 7th का फर्स्ट पार्ट क्या है, 99 का आपने क्यूब फाइंड करना है। अब 99 के क्यूब को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग, 99 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, यस और नो, और क्यूब तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, अब x माइनस y का होल क्यूब, उसकी आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताई है। तो इस 7 पार्ट तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप प्रैक्टिस करो, होमवर्क आपके लिए, कोई डाउट आए तो आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच।